एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। ये कांग्रेस पार्टी के महान नामदार नेता कहते फिर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सशक्त नहीं है, हम बदलाव लाएंगे। पता है ये लोग कौन है? ये वही पार्टी के लोग हैं जिन्होंने अपनी ही महिला कार्यकर्ता सरला मिश्रा का कत्ल करवा दिया था। ये वही निग्गी राजा है जिन्होंने अपनी ही महिला सांसद को टंच माल कहा था। ये वो महाराज सिंधिया है जिन्होंने प्रेस वार्ता में महिला नेता को मन से नीचे उतार दिया था। और ये वही कमलनाथ है जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले महिलाओं को एक सजावट की वस्तु बताया था। और ये दो कौड़ी का छूट भैया नेता जीतू पटवारी जो गया था वोट मांगने, पर वहां भी माँ बहनों की इज्जत उछाल रहा है। उसकी खुद की माँ बहनें तो लाखों का बैग टांग के घूमती है जो पैसा जनता के खून पसीने का है। और ये सामान्य माताएं बहनें पैसे कहाँ रखती है उसके इशारे करता है। अरे आप कांग्रेस वालों के पास बड़े बड़े बंगले और गाड़ियां तो है, लेकिन आपकी जो सोच है ना वो छोटी है, आपके संस्कार भी वैसे है। क्या हुआ, तकलीफ हुई ना? हमें भी होती है। जब आप अपनी ही पार्टी की महिला नेताओं की बेइज्जती करते हैं तो हमारे साथ न जाने क्या करेंगे। और किस नैतिक आधार से हमारी सुरक्षा की बात करते हैं आप? अगर हमें झूठा दिलासा देने भी आना है ना, तो पहले जाके अपने इन ओछे नेताओं की सोच में बदलाव लाइए। और ये बदलाव जो है ना, आपके बड़े बड़े महलों में बैठे रहने से नहीं आएगा। कभी जमीन पे उतरिए, पता चलेगा पिछले 15 सालों में कितना कुछ बदल चुका है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार करने की सजा मौत है। और हमारी सुरक्षा की चिंता हो रही है ना, तो पीछे पुलिस परेड ग्राउंड है, जाना कभी। वहां महिला टोली को मार्च करते हुए देखना, तो पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में कौन किसकी सुरक्षा करता है। अरे साहब, मध्य प्रदेश की बहन बेटियों को एक ऐसे मामा और भाई का प्यार मिला है जिन्होंने सिर्फ अपना कार्यकाल ही नहीं, जीवन काल महिलाओं को अपना हक दिलाने में लगाया। मामा कौन होता है पता है आपको? मामा वो होता है जो अपनी बहन के बच्चों को दो दो माओं का प्यार देता है। और साहब, दो दो माओं का प्यार देना आसान नहीं होता। बच्चा कोख में आता है तब से लेकर उसकी कॉलेज की पढ़ाई और शादी तक बहन का ध्यान रखते हैं वो। उन्होंने हमें सशक्त बनाया है और आज हम उनकी शक्ति है। लेकिन आप इन बातों का मूल्य कैसे समझेंगे? जनता को रुलाने की आदत है आपको, कभी जनता के आंसू नहीं पोछे। और कैसे पोछोगे? आप तो गलती से भी किसी गरीब के घर चले जाते हो तो भी बस फोटो खिंचवाने, आपका चरित्र ही दोगला है। टीवी में खबर चलती है कि कांग्रेसी इस मंदिर गए, उस मंदिर गए, और उसके बिल्कुल बाद आता है आपका विज्ञापन जिसमें तिलक लगाए भगवाधारियों को गुंडा मवाली दिखाया जाता है। आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? भगवाधारियों से अगर इतनी ही तकलीफ है तो मत जाइए ना मंदिर, वैसे भी सब जानते हैं कि ढोंग है। आप जैसे महलों में रहने वालों को क्या पता कि पिछले 60 सालों में इस देश की महिलाओं ने खुले में शौच जाने की शर्मिंदगी का सामना कैसे किया होगा। आप वो दोगले लोग हैं कि जब आपके पास मौका था तब आपने कोई ढंग का काम नहीं किया। और आज जब एक गरीब का बेटा इस देश की महिलाओं को खुले में शौच से, चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिला रहा है, सर पर छत दिला रहा है, तो आपको तकलीफ हो रही है, गुस्सा आ रहा है आपको? अरे जाइएगा, हमें बदलाव के पाठ मत पढ़ाइए। हमें अच्छी तरह से पता है किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। भरोसा कामदार पे किया जाता है, नामदार पे नहीं।